वफाक वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का तकरीब से खिताब, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा, पाकिस्तान में पहाड़ और बेहतरीन नहरी निजाम है। पाकिस्तान में हुनरमंदों की भी कमी नहीं है। पाकिस्तानी हुनरमंदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन नाम किया है। पाकिस्तान का असल चेहरा आवाम के सामने है। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा, कुछ साल से पहले तुर्की के वजीर आजम से मुलाकात हुई। तुर्क वजीर आजम से पूछा, आपकी कैसे मईशत बेहतर हुई? तुर्क वजीर आजम ने कहा कि हमने फैसला किया अपने अंदर से ताकत दिखाएं। तुर्क वजीर आजम ने कहा कि हमने बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हम तो जहनी और मुआशी तौर पर कमजोर हो गए, हमें बेखौफ होकर आगे बढ़ना होगा। बाहर से आकर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। नौजवानों से तवक्को है कि तारीख पर गौर करें, आज मुसाइल ने कहां जन्म दिया। तो हम पाकिस्तान की इमेज की बात करते हैं तो हमें चर्चिल को अमेंड करना पड़ेगा और अब इस पर गौर करना पड़ेगा कि एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर आर द एम्पायर्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। ये किस चीज का इमेज है जो हम बिल्ड करना चाह रहे हैं और ये क्या वजह है कि हमें इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस से करनी पड़ रही है? और ये आज की बात नहीं है, 2013 से 17 के दौरान जब मुझे अल्लाह ताला के करम से एजाज हासिल हुआ पाकिस्तान का वजीर तजारत होने का, तो उस वक्त भी हमने इस पर बड़ी गुफ्तगू की थी कि जी इमेज मेकिंग कैसी की जाए, क्या पैसा खर्च करने से इमेज बनेगा, क्या बैन अल-अक़वामी मीडिया कंपनीज को हायर करने से और कैंपेन चलवाने से इमेज बनेगा। और लेडीज जेंटलमैन, द यंग मैन एंड वुमेन, द ऑडियंस, आई डो नॉट हैव आंसर्स फॉर दैट। ये